children, welcome to online class. Now today we will learn class 6 subject SST geography lesson 4 maps. So children, in chapter 2 we have learned about the globe. However, globe have some limitation. Globe is helpful to us when we want to study the earth as a whole. But when we want to study a part of the earth like our country, states, districts, towns and villages, the globe is of little help. In such conditions, the maps are useful for us. Means, हमने second chapter में globe के बारे में पढ़ा था. Globe हमारे लिए helpful होता है, लेकिन तब जब हम पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं. बट इफ वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, लेकिन जब हमें अर्थ का केवल एक पार्ट के बारे में जानना हो, एग्जांपल किसी कंट्री के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी स्टेट्स के बारे में, तो उस कंडीशन में ग्लोब उतना हेल्पफुल नहीं होता जितना कि मैप होता है. उस कंडीशन में हम मैप का यूज करते हैं अगर हमें अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में स्टडी करना. सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैप. A map is a representation or drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Means, a map is a representation or drawing of the earth's surface. जो मैप होता है वो अर्थ की सतह का एक ड्राइंग होती है और a part of its drawn on a flat surface according to a scale. और एक पेपर पे बनाया हुआ एक ऐसा फ्लैट सरफेस पे बनाया हुआ एक ड्राइंग होता है जिसे उस जगह की जिसकी हमें स्टडी करना है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है स्केल को लेकर. अबाउट द स्केल वी विल डिस्क्राइब इन दिस लेसन. सो चिल्ड्रन, इन दिस लेसन वी विल लर्न टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थेमेटिक मैप्स. Components of maps: distance, direction and symbols. We will try to know about the components of maps: distance, directions and symbols. In this lesson we will also learn about a compass, okay, and the direction. As we know, there are 4 major directions: north, south, east and west. It is also known as cardinal direction. मेजर जो डायरेक्शन है उनको कार्डिनल डायरेक्शन भी कहा जाता है. बट बिसाइड्स इट वी हैव सम इंटरमीडिएट डायरेक्शन. दे आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द लेसन फ्रॉम द बुक. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड एंड एक्सप्लेन लेसन 4 मैप्स. लेसन 4 मैप्स. Here you can see a picture of compass. A compass is an instrument for finding direction with a needle that always point north. Means compass एक ऐसा instrument होता है जिसका use किया जाता है direction find out करने के लिए, और इसमें needle होती है, सुई होती है, जो हमेशा north की तरफ क्या होती है, point out रहती है. मतलब हमेशा वो north direction क्या करती है, show करती है, north, south, east and west. So as we learned that map is more useful than a globe when we want to study only a part of a earth. Okay, हमने पढ़ा था कि map इस condition में हमारे लिए बहुत useful होता है जब हम country के किसी एक part like states, districts, towns and village की study करना चाहें, तो इसमें map हमारे लिए क्या होता है, more useful होता है. Maps जो होते हैं वो ज़्यादा useful होते हैं. We find that maps are useful to us for various purposes. हमने जाना कि जो मैप्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत सारे purposes के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. अनदर मैप मे कंटेन्स एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक. मीन्स एक मैप छोटी चीज़ों को भी, स्मॉल एरियाज को भी और कुछ फैक्ट्स को भी दिखा सकता है, और दूसरा मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स, बना हो सकता है बहुत सारे फैक्ट्स से लाइक अ बिग बुक. वैन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. जब बहुत सारे मैप्स एक साथ रखे जाए
तो हमें क्या मिलती है, एटलस मीन्स बहुत सारे मैप का जब एक कलेक्शन हो तो उसको जाना जाता है, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज अ एटलस। ठीक है, मैप का जो कनेक्शन होता है उसको एटलस के नाम से जाते हैं। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। एटलसेस क्या होती है, वेरियस साइज की होती है, वेरियस मेजरमेंट की होती है, ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स का यूज करके उसको बनाया जाता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, मैप्स जो होते हैं वो ग्लोब से ज़्यादा हमें क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। और जो मैप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें से कुछ टाइप जो हैं वो हमें इस लेसन में दिखाए गए हैं। इन दिस लेसन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थेमेटिक मैप्स। नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिकल मैप्स। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। मीन्स वो मैप जो शो करते हैं, जो दिखाते हैं अर्थ के पार्ट्स, जैसे माउंटेन्स पहाड़ी पार्ट को, प्लेट्यूज पठारी भाग को, प्लेन्स मैदानी भाग, रिवर्स नदियाँ, ओशंस महासागर, इस टाइप्स के जो मैप होते हैं जिनमें ये चीज़ें शो की जाती हैं उनको कहा जाता है फिजिकल मैप और रिलीफ मैप्स। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप। मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद दियर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। मीन्स ऐसे मैप जो शो करें सिटीज़ को, शहरों को, टाउन्स को एंड विलेजेस को एंड डिफरेंट कंट्रीज और अलग अलग कंट्रीज को, देशों को, स्टेट्स को ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के विद दियर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज को भी शो करें, तो इस टाइप्स के मैप्स को कहा जाता है हमारा पॉलिटिकल मैप्स। थर्ड वन इज थेमेटिक मैप्स। Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कुछ सी स्पेशल चीज़ को, अलग सी चीज़ को लेके वो बनाए जाते हैं, एक पॉइंट को लेके। फॉर एग्जाम्पल रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा जो मैप शो करता है, इंडस्ट्रीज एरियाज़ को शो करे, आर नोन एज थेमेटिक मैप्स। इस टाइप्स के जो मैप्स होते हैं उन्हें थेमेटिक मैप्स के नाम से जाना जाता है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। इन मैप्स को उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्या दे दिया जाता है, सूटेबल टाइटल्स दे दिए जाते हैं। मीन्स जैसे रोड मैप्स हैं उसके लिए कोई अलग टाइटल दे दिया जाता है, रेनफॉल मैप्स हैं या फॉरेस्ट मैप्स हैं उनके लिए कोई अलग अलग से टाइटल दे दिए जाते हैं। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स। कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स मीन्स मैप्स के मुख्य जो पार्ट, अंग जो उसमें हैं वो कौन कौन से होते हैं। There are three components of maps. Maps के जो main होते हैं वो three components होते हैं, distance, direction and symbol. Distance means दूरी, direction means दिशा and symbol means प्रतीक। Means किसी भी map में ये तीनों जो components हैं ये जरूरी होते हैं, distance, direction and symbol. ये तीनों चीज़ों से मिलके ही हमारा जो होता है वो map बना होता है। So first we will talk about the direction. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit ऑन अ सीट ऑफ पेपर। मीन्स मैप में क्या किया जाता है, जो इंटायर वर्ल्ड की जो डिस्टेंस होती है उसको रिड्यूस करके, कम करके, उसको एक पेपर सीट में इस तरह से लाया जाता है कि वहाँ पे वो बिल्कुल क्या लगे, रियल लगे। जबकि ग्राउंड में वो क्या होगा, पूरा वर्ल्ड एक पेपर में फिट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैप में उसको इस तरह से फिट किया जाता है, उसकी डायरेक्शन को, उसकी डिस्टेंस को रिड्यूस किया जाता है ताकि वो वहाँ पे क्या लगे, रियल लगे। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेज इज रियल। लेकिन ये जो रिडक्शन किया जाता है, ये जो कम की जाती है डायरेक्शन डिस्टेंस को, वो इस तरह से किया जाता है कि ताकि वो जो रियल की जो रियल जो डिस्टेंस है वो मैप, वो जो रियल में जो ग्राउंड में डिस्टेंस है वो मैप में जो डिस्टेंस दिखाए वो दोनों कैसे लगे, रियल लगे आपस में। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और ये तभी होता है जब क्या होता है, पेपर में स्मॉल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करें ग्राउंड की लार्ज डिस्टेंस को। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। इसके लिए क्या किया जाता है, स्केल का चूज किया जाता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल जो होता है वो रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस, वास्तविक डिस्टेंस का, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और मैप में दिखाई गई वो दूरी। फॉर एग्जाम्पल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्केल थ्रू दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि हमारे घर से जो हमारे स्कूल की दूरी है वो कितनी है,
10 किलोमीटर है. इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, और हमें ये क्या करना है, मैप में शो करना है. तो हम क्या करते हैं, मैप में क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर को हम दिखाते हैं 10 किलोमीटर. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर. इसका मतलब है कि मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना शो कर रहा है, 5 किलोमीटर ग्राउंड. मीन्स मैप का जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल है 5 किलोमीटर ऑफ ग्राउंड. मीन्स एक्चुअल में वो ग्राउंड की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, जिसको हम मैप में 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं. ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर. मीन्स उस ड्राइंग में, उस मैप में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर. दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. इसलिए किसी भी मैप के लिए क्या होता है, स्केल बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप. अगर हम स्केल के बारे में जान जाए कि उसका रेशियो क्या रखा गया, तो हम मैप में दिए गए किसी भी टू प्लेसेस के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ मैप पेपर देन वी यूज अ स्मॉल स्केल. ओके, जब हमें क्या करना होता है कि मैप में कोई लार्ज एरिया शो करना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्टिनेंट्स को शो करना है, कंट्रीज को शो करना है, तो उसमें हमारा जो स्केल होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैप में जो 5 सेंटीमीटर होगा वो एक्चुअल ग्राउंड में कितना होगा, 500 किलोमीटर. मींस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर हो जाएगा. ठीक है ना, तो हमारा जो स्केल है वो कैसा हो गया, स्मॉल. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप, और इसको कहा जाता है स्मॉल स्केल मैप. हालांकि जब हमने यहाँ पे देखा था तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर हो रहा था, क्योंकि वो छोटे से जगह को हम डिस्क्राइब कर रहे थे, अपने स्कूल और अपने घर की दूरी को. लेकिन हम यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट्स. यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कंट्रीज के बारे में. यहाँ पे हम समझना चाह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज को, जो क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरियाज होता है. इसलिए यहाँ पे जो हमने स्केल को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया. स्मॉल मीन्स फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर. एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर. मीन्स अब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप. व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है, अगर हमने अपने गांव और अपने डिस्ट्रिक्ट का हमने शो करना है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो स्केल था उसको हम क्या कर देंगे, लार्ज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड. अब क्या होगा, हमारा जो मैप का जो स्केल होगा वो 5 सेंटीमीटर मैप में दिखा रहा होगा, लेकिन लेयर में रियल में वो कितना होगा, 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप, और इसको कहा जाता है लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स. और लार्ज स्केल जो मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप से हमें क्या देते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. सो चिल्ड्रन, इट इज़ इनफ फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन, सिंबल, स्केच एंड प्लान. थैंक यू.